सब आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो मेरे को एक आर्मी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि उसे बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन की स्टोरी चाहिए, सो इसीलिए मैंने ये स्टोरी बनाई है। और आप लोगों को भी जिस टाइप की स्टोरी चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। मेरे दिमाग
दही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ओह माय गॉड जंगकुक, ये तो तुम्हारी अभी की पिक्स है और तुम इसमें कितने ज्यादा हॉट लग रहे हो। ओह माय गॉड, मैं इसका क्या करूं? लाओ ये फाइल मुझे दो। इसने कहा कि मैं ये फाइल तुम्हें दूंगी, मुझे देखने दो। ओह गॉड टे, तुम मुझे ये फाइल देती हो या नहीं? हो सके तो लेकर दिखाओ ये फाइल। ये लो टे, मुझे दो ये फाइल। मैं तो नहीं देने वाली फाइल तुम्हें। सॉरी चंकुक, लिस्का जिमिना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर टे और जिमिना वहाँ से चली जाती है। ये टे ना सच्ची में आफत है, पता नहीं भाई आप इसे कैसे झेलते थे, वो भी बचपन में। मत बोल यार, इसने तो मेरा दिमाग ही हैंग कर दिया था। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब उसने मुझे जानबूझकर स्विमिंग पूल में डाल दिया और मुझे अच्छे से स्विमिंग भी नहीं आती थी। ये टे ना बचपन से ही मेरे साथ मचकानी हरकतें करती आ रही है। ओह गॉड, अब ये मुझे फिर से मिल गई, अब तो ये मुझे पागल ही कर देगी। कैसे पीछे छुड़ाऊं मैं इस टे से? अबे सुगा, तुझे और कोई कंपनी नहीं दिखी थी हमारे शेयर्स के लिए? हे भाई, मुझे क्या पता कि टे इस कंपनी की हेड है? सॉरी भाई, बट उसकी जो असिस्टेंट है वो मुझे बहुत कमाल की लगी। मैं यहाँ पर बुरा फंसा हुआ हूँ और तुझे अपनी पड़ी है सुगा। मैं कैसे पीछे छुड़ाऊं टे से? I can't believe, मुझे कुकी मिल गया। मैं तो उसे बचपन से ही पसंद करती थी। हे टे, तू अकेले बैठे बैठे क्या मुस्कुरा रही है? कुछ नहीं जिमिना, बस मैं वो जंगकुक के बारे में सोच रही थी। कहीं तेरे उससे लव तो नहीं हो गया? हे जिमिना, मैं तुझसे बचपन से ही लव करती हूँ, ये कोई नई बात नहीं, बट पता नहीं वो मुझे पसंद करता है या नहीं। हाँ तो तुम दोनों एक साथ मिलकर क्यों नहीं बात कर लेते? वाओ ग्रेट आइडिया जिमिन, तुमने सही कहा, मैं एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ। मैं आज दिन भर काम करके थक चुका हूँ। हे जंगकुक, क्या तुम्हारा दिन ऐसा ही कटता रहेगा? पता नहीं तुम्हें कोई लड़की कब पसंद आएगी। सो गाइस, इस स्टोरी में नामजी सुगा एंड जंगकुक के मॉम डैड है। मॉम डैड, आप लोगों ने फिर से वही घिसी पिटी कहानी शुरू कर दी। मुझे इस टॉपिक पर ज्यादा बहस नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ सोने। क्यों ना मैं एक बार जंगकुक से बात कर लूं? ओह गॉड, इस चुड़ैल का भी अभी ही कॉल आना था, सब इस सुगा की वजह से हो रहा है। ना ये कॉल उठाता, ना मैं इसे शेयर देता, ना वो मेरे पास आती। उठा ले रे बाबा। हाँ हेलो टे, क्या केस है, जल्दी वको। हे जंगकुक, क्या तुम कल मुझे रेस्टोरेंट पर मिल सकते हो? इसे क्या मैं खाली पकड़ कर नजर आता हूँ? मेरे पास अभी बहुत कम पड़ा हुआ है, अगर मैं इससे ऐसे बोलूंगा तो ये गुस्सा हो जाएगी। ओके टे, मैं आ जाऊंगा, पर मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, मुझे सोने दो। ओके जंगकुक, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट टे। क्या हुआ टे, उसने क्या कहा? ये वो मान गया। हे टे, क्या मैं तुम्हें एक आइडिया बताऊं? अगर तुम सच में जंगकुक को इम्प्रेस करना चाहती हो तो। हाँ हाँ जिमिना, जल्दी बताओ। अगर तुम जंगकुक को सच में इम्प्रेस करना चाहती हो तो। हाँ तो मुझे क्या करना होगा? तुम ना एक तड़कती भड़कती हॉट ड्रेस पहन कर जाना, जिससे ना वो तुम्हें देख कर एक ही नजर में लट्टू हो जाए। और अगर ये आइडिया काम नहीं किया तो तब तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। गॉड, तुम कितनी छिछोरी हो जिमिना, मैं कैसे करूं जंगकुक को इम्प्रेस? हेलो जंगकुक, क्या तुम रेस्टोरेंट पहुंच गए? हाँ टे, मैं रेस्टोरेंट में ही हूँ। ओह गॉड, इसने मुझे पहले से ही रेस्टोरेंट में बैठा रखा है और खुद ही लेट है, मैं क्या करूं इस टे का? ओह गॉड, पता नहीं ये कब आएगी। टे, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना, आवारा एक बादल तेरी हवा में उड़ने लगी हूँ, तुझे बस मिला है। प्लीज।
पर फालतू का जोक नहीं सुनने आया। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट पर क्यों बुलाया? एक्चुअली जंगकुक, हमें मिले हुए कितने साल गुजर गए, ये सभी बातें छोड़ो, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। आई लव यू जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, वो भी अभी से नहीं, बचपन से ही। हे जंगकुक, कुछ तो रिप्लाई करो। ओके जंगकुक, तुम मुझे अभी रिप्लाई नहीं देना चाहते तो बाद में भी कह सकते हो, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगी। घूरना बंद करोगी? मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी मीटिंग छोड़कर आया हूँ, क्या करूँ जंगकुक, मुझे अपोजिट करना पड़ता है, बिकॉज मैं इतनी सर धस कर आई हूँ तो तुम्हें मुझे घूरना चाहिए, सो उसका अपोजिट मैं ही तुम्हें घूर रही हूँ। मेरी ब्यूटी किस काम की? प्लीज स्टे, क्या हम एक दूसरे को ताड़ना बंद करें? तुम्हारी मीटिंग तो जिंदगी भर चलती रहेगी। फिर वहाँ पर वेटर आता है, सर एंड मैडम ये लीजिए आपकी कॉफी। चीयर्स जंगकुक। पता नहीं ये कॉफी पीकर मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। सो गाइस, इस स्टोरी में वेटर जे होप है एंड वो भी टे का असिस्टेंट है एंड वो टे के लिए काम करता है। मिसेस टे, लगता है हमारा आइडिया काम कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे इतना धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है और मेरा सर मुझे बहुत चक्कर जैसा लग रहा है। पटीचर जे होप कहेंगे, ये कैसा आइडिया लगाया है तूने, तुझे और कोई आइडिया नहीं मिला था? इतनी सारी आइडियाज है दुनिया में, अब क्या करूं? मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि जंगकुक को कैसे संभालूं। मुझे घर जाना है, मुझे नींद आ रही है। ओके जंगकुक बेबी, हम लोग घर ही जा रहे हैं। हे ड्राइवर, स्पीड में कार चलाओ। मैडम, हम लोग कार से जा रहे हैं, ना कि एरोप्लेन से। अब मैं क्या आपको उड़ा कर ले जाऊं? उड़ा कर नहीं, पर जल्दी लेकर चलो। फाइनली घर तो पहुंच गए। ए बेबी, इस हॉबी के बच्चे ने भी मुझे कहां फंसा दिया। जंगकुक जल्दी आओ और शांत रहना, जिमिना अंदर ही सो रही है। टे बेबी, आई लव यू। आ जंगकुक, कम डाउन। अभी जिमिना उठ जाएगी तो हम दोनों की खैर नहीं, क्योंकि उसे आग फैलाने में कुछ देर नहीं लगती। टे बेबी, मुझे नींद आ रही है। हाँ जंगकुक, हम लोग बेडरूम में ही जा रहे हैं। ओह नो, जल्दी चलो नहीं तो जिमिना उठ जाएगी। गॉड, मैं जंगकुक को तो यहाँ पर लेकर आ गई। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई? मुझे अपने घर जाना है। जंगकुक, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगी तो तुम्हारी बॉडीगार्ड्स मुझ पर शक करेंगे। ओके जंगकुक, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं जाकर सोफे में सो जाती हूँ। वैसे तुम ड्रेस में और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। आई लव यू टे बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। आई लव यू सो मच टे बेबी। आई लव यू टू जंगकुक। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी सो जाओ। बेबी, मुझे छोड़कर मत जा, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। जंगकुक, तुम अभी ड्रंक हो और हम ऐसा नहीं कर सकते। लीव मी जंगकुक प्लीज। आई लव यू टे बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
स्टोरी के एंडिंग यहीं पर होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आई नो गाइस कि मैं अपनी स्टोरी में ज्यादा ट्विस्ट नहीं लाती हूँ, बिकॉज ये सारी वन शॉट है एंड मैंने सोचा है कि आप सभी की डिमांड पूरी होने के बाद मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय आई पर्पल यू आर्मी एंड चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना।